अभी भी नाराज हो मुझसे? मुक्ता, हम और नाराज, अब तो नाराज होकर कोई फायदा भी नहीं है सर। अब तो आज ही भी हमारे शादी के लिए तैयार हैं, आजूबा भी तैयार हैं और दादा भी, और आपने तो उन सबको तैयार करवाया है, तो फिर हम नाराज हैं या नहीं क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मुक्ता, वो मेरी लाडली हो, अपनी गोद में खिलाया है मैंने तुम्हें, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। देखो, एक आई कभी नहीं चाहती कि उसकी औलाद, उसके बच्चों को तकलीफ पहुंचे, कभी नहीं चाहती। अच्छा, तुम्हें याद है बचपन में मैं जब तुम्हें कहती थी और तुम श्रृंगार करने से मना कर देती थी, तुम्हें लगता था कि श्रृंगार करने से तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा, लेकिन जब तुमने मेरी बात मानकर श्रृंगार करना शुरू किया, तब सभी ने तुम्हारी सुंदरता की कितनी तारीफ की थी कि नहीं? बस यही होती है आई, जो जानती है अपने बच्चों के लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। मुक्ता, ये तुम्हें सच में लगता है कि मैं यूं ही बिना देखे समझे, बिना परखे तुम्हारा हाथ किसी ऐरे गहरे के हाथ में दे दूंगी? मेरे कलेजे का टुकड़ा हो तुम मुक्ता, समझी? अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो दर्द मुझे होगा, और अगर तुम खुश रहोगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी बेटा। मैंने दुनिया देखी है बेटा, बहुत सारे रंग है इस दुनिया के। शिव शंभु ना करे कि इस दुनिया के उतने रंग तुम्हें देखने पड़े मुक्ता। तुम्हारा जीवन हंसते खेलते बीत जाए, बस यही तो चाहती हूं मैं, इसीलिए तो सबसे बैर मोल ले लेती हूं। अगर सचमुच शिव शंभु ने इस जीवन का मुझे सच्चा अनुभव दिया है तो वो बेकार नहीं जाएगा। मुक्ता, तुम्हें यशवंत बहुत खुश रखेगा, मुझे पूरा भरोसा है। सरकार, अगर हमने पूरा भंडार खोल दिया तो पूरा अनाज दो दिन में खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद? जानते हैं जंकू जी, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, लेकिन क्या करें, यहां हमारे सिपाही मौत से लड़ रहे हैं, कोई जख्मी बड़े हुए हैं, जिनका इलाज करवाने के लिए उन्हें मालवा भेजना बहुत जरूरी है। सिपाहियों का पेट नहीं भर रहा और खाली पेट कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जाता। जी, खाली पेट कोई भी युद्ध नहीं लड़ सकता। रसद समाप्त हो रही है, हथियार बारूद है नहीं, अब्दाली की सेना पूरी तरह से हम पर हावी हो रही है, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं।
बेशक उनकी शहादतें सराहनीय है, लेकिन हमें उनकी शहादतें व्यर्थ दिखाई दे रही है। हम छुपते फिर रहे हैं, कभी इस गांव में छावनी लगाते हैं, कभी उस गांव में छावनी लगाते हैं, कभी जंगल में छुप रहे हैं, कभी खंडर में छुप रहे हैं, और हम अपनी नजरों से छुप नहीं सकते। खुद को तो जवाब देना पड़ता है। मल्हार सरकार, आप और इतनी निराशावादी बातें? नहीं नहीं जनको जी, हम निराशावादी बातें नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं, सूझबूझ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिपाहियों की शहादतें दुश्मन की हार का संदेशा नहीं ला रही। अहिल्या, कुछ नहीं है, हम जानते हैं अहिल्या, आज का दिन ही ऐसा है कि खंडेराव की याद तो आएगी। आज खंडेराव होता तो हमारी मुक्ता को अपनी गोद में उठाकर डोली पे खुद बैठाता। आज हमारा खंडेराव होता तो हमारा पूरा परिवार भरा और पूरा होता। आज खंडेरा होता तो हमारी गोद और ये पूरा बाड़ा ऐसा सूना ना लगता। अहिल्या, आज के दिन नहीं रोना अहिल्या, नहीं रोना, वरना हमारे खंडेराव की आत्मा वो खुश नहीं होगी। बस बल्कि आज तो तुम्हें हंसते हंसते अपनी बेटी को विदा करना होगा, ताकि हमारा खंडेराव जहां कहीं से भी हो देख रहा हो और उसे आशीर्वाद दे सके। जी चलो चलो, विदाई का वक्त हो गया है, सब इंतजार कर रहे हैं, अब चलिए मैं आती हूं, लेकिन जल्दी आना। जी। छोटी रानी आइए। एक बुरी खबर है, हम लोग पानीपत का युद्ध हार गए। अहिल्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर मुक्ता की विदाई होने वाली है। आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पल है अहिल्या। चलो मैं आती हूँ। जल्दी आना। देखो यशवंत, हम पहले से इस विवाह के खिलाफ थे, बहुत मुश्किल से अपनी बहन के पति के रूप में तुम्हारे नाम की स्वीकृति दी थी, क्योंकि सचमुच तुम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे,
काम होता। देखो यशवंत, जैसे कि अभी हमने तुमसे कहा कि पहले तुम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन तुम में ऐसी कुछ बात थी और उसी बात ने हमें यकीन दिला दिया कि तुम हमारी बहन को कभी दुख नहीं दोगे, कभी सताओगे नहीं, और हां कभी रुलाओगे भी नहीं। हम हमारी बहन से बहुत प्यार करते हैं, ख्याल रखना इसका, हमेशा सजग रहना, चैतन्य रहना। और हां, अगर हमारी बहन के आंखों में एक भी आंसू आया ना माली राव, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.